मैप्ताल इस्पात ड्रॉप जो कि बनाया जाता है एक फार्मास्यूटिकल कंपनी जिसका नाम ब्लू क्रॉस कंपनी के द्वारा ये बनाया जाता है। ये 10 ml का एक ड्रॉप रहता है जिसमें डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड इसके अंदर डाला जाता है 10 mg और सीमिथिकॉन इसके अंदर 40 mg रहता है और ये पेट के दर्द में इसको बच्चों को डॉक्टर के द्वारा रिकमेंडेड किया जाता है। तो जब भी बच्चे के पेट में दर्द होता है तब पीडियाट्रिक डॉक्टर इसको रिकमेंडेड करते हैं। तो इस वीडियो में मैं इसका यूजेस बेनिफिट साइड इफेक्ट कैसे यूज होता है कैसे इसका ड्रग कैसे लिया जाता है तो वो सब बातें इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा ताकि मैप्ताल इस्पात के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो ये वीडियो केवल एंड केवल मेडिकल स्टूडेंट और हेल्थ केयर स्टूडेंट के एजुकेशन पर्पज़ के लिए। तो कोई भी मेडिसिन से कोई भी दवाई लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर ले। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बाद। मैप्ताल इस्पात ड्रॉप जो कि बनाया जाता है ब्लू क्रॉस लेबोरेटरीज LTD के द्वारा बनाया जाता है। डाइसाइक्लोमिन 10 mg और सीमिथिकॉन 40 mg रहता है। 48 rupees का ये 10 ml का एक ड्रॉप रहता है जो कि ट्रीटमेंट करता है इरिटेबल बबल सिंड्रोम और पेट के दर्द में इसको यूज़ किया जाता है। अगर बच्चे को ज़्यादा पिलाया जाता है तो कुछ साइड इफेक्ट होता है जैसे कि नोजिया वॉमिटिंग ड्राइजीनेस डायरिया वगैरह हो सकता है। तो जब भी इसको दे तो डॉक्टर की सलाह से दे। डॉक्टर जितना डोज और ड्यूरेशन बोले उतना दे और इसका फिक्स टाइम और फिक्स डोज रखे ताकि बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो ये काम कैसे करता है तो इसके मैकेनिज्म की बात करूँ तो इसके अंदर दो दवाई डाली गई है डाइसाइक्लोमिन जो कि एक एंटी स्पोटोमेटिक एजेंट है और सीमिथिकॉन जो कि एक एंटी फॉर्मिंग मेडिसिन है। डाइसाइक्लोमिन जो कि क्या करता है कि रिलैक्स करता है पेट के दर्द को वगैरह कम कर देता है और सीमिथिकॉन जो कि क्या करता है कि बबल की गैस को कम करता है जिससे पेट में गैस वगैरह नहीं होती और बच्चे का पेट वगैरह दर्द नहीं होता। तो ऐसे काम करता है ये ड्रॉप। तो इस ड्रॉप के बारे में अगर आपको कुछ भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अदरवाइज जो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आई है वहाँ पर पूछ सकते हो। चैनल पर और वीडियो पर पहली बार आप विजिट किए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें साथ में जो बेल आइकन है उसको दबाएँ ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।